नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हमारे साथ बिंध की साहित्यकारों और कलाकारों की बाग को पानी देने वाले एक माली की भूमिका में रहने वाले और इस सबसे अधिक एक सच्चे पारखी जो हीरे को भी तराश करके हीरा बनाता है, ऐसे राजकुमार जी, जिन्हें लोग राज दादा के नाम से जानते हैं, वो हमारे साथ हैं और उनकी इस यात्रा के बारे में, उनकी इस प्रेरणा के बारे में और बिंध में विकसित हो रहे कुछ पुष्पों के बारे में वो क्या सोचते हैं, इन सारे मुद्दों की बात करेंगे राज दादा से। तो सबसे पहले स्वागत है आपका द खबरदार। धन्यवाद। देखिए, ये बड़ा सौभाग्य है कि आज खबरदार न्यूज़ चैनल में अनुपम जी से आज मुलाकात हो रही है और बहुत बहुत हम बिंध की माटी में आपका स्वागत भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं और बिल्कुल जो भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। दादा, कार्यक्रम के शुरुआत में मैं सबसे पहले आपसे युवाओं को एक बात आप अक्सर कहते हैं, हर मंच से कहते हैं और व्यक्तिगत तौर पर भी मैंने सुना है कि हर बार ये बात कही जाती है, तो उसी काव्यात्मक प्रस्तुति को इस मंच के माध्यम से युवाओं तक हम चाहते हैं कि आप एक बार पहुँचा दें। असली में जो युवा होते हैं किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत और शक्ति होते हैं और हमारा देश तो दुनिया में सबसे युवा देश है, तो युवाओं के लिए हमेशा मैं ये प्रोत्साहित करने की भावना रखता हूँ और बघेली में हमने उनके लिए लिखा था कि मंच के तोह से बढ़ई सानी और का चाही, कि मंच के तोह से बढ़ई दसानी और का चाही, आदेश के तोह से बढ़ई मान और का चाही, अदेश परदेश मा कहूँ रहा फरा फूला, देश परदेश मा कहूँ रहा फरा फूला, अरे अपने माटी के रहई ध्यान और का चाही, मंच के तोह से बढ़ई शान और का चाही, आ काम ऐसन करा के दुनिया सराहई तोह का, ऐसा आप कह रहे हैं कि काम ऐसन करा के दुनिया सराहई तोह का, अमन मया भई जो ना गुमान और का चाही, और देश के तोह से बढ़ई मान और का चाही। हम नहीं चाहे कि हमरे लगन रहा करें, हम इनका टीवी में देखी, मोबाइल में देखी, इतना आगे बढ़ा टीवी माँ देखी तोह का, इतना आगे बढ़ा के टीवी माँ देखी तोह का, अरे कबू जो कैले फोन फान और का चाही, कबू जो कैले फोन फान और का चाही। अय्या पंक्ति गार्जियन के हैसियत से कह रहे हैं कि काम ऐसन करा के दुनिया सराहई तोह का, काम ऐसन करा के दुनिया सराहई तोह का, अमन में आबई जो ना गुमान और का चाही, मन में आबई जो ना गुमान और चा चाही, अब बात गठिया ले नहीं तो मुँह भरनी गिरबे, बात गठिया ले नहीं तो मुँह भरनी गिरबे, अरे आचरण से रहे महान और का चाही, देश के तोह से बढ़ई मान और का चाही, मंच के तोह से बढ़ई शान और का चाही। जी, हमारी महफिलों में तुम बड़े बूढ़े जरूरी हो, अगर तुम ही नहीं होगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। मुनव्वर राणा का ये एक बेहतरीन शेर है और इस शेर को आप एक बेहतरी से जीते रहे हैं और कहीं ना कहीं युवाओं के मन की बात करें, युवा साहित्यकारों की बात करें और बिंध और बघेली को चाहने वाले हर शख्स की बात करें, तो राज दादा एक माली की भूमिका में सदैव देखे जाते हैं। किसी भी कार्य को शुरू करने के पीछे एक प्रेरणा होती है, उसकी एक शुरुआत होती है। आखिर इस कार्य को करने की प्रेरणा, और कई बार ऐसा होता है कि प्रेरणा कुछ दुखद दृष्टांतों से शुरू होती है, तो इसके पीछे क्या कुछ कैसा था, ये सफ़र के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी, ये जो हमारे विंध्य प्रदेश का इतिहास है तो वेदों पुराणों में
वर्णित है। सतयुग में माँ नर्मदा जी यहाँ पर आईं, त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास यहीं चित्रकूट अमरकंटक में बीता, द्वापर में पांडवों का अज्ञातवास विराटनगर शहडोल में बीता। माँ विंध्यवासिनी कंस को ये श्राप देते हुए कि जा दुष्ट, तुझे मारने वाला पैदा हो गया है, यहीं अपने विंध्याचल में विंध्यवासिनी के रूप में आईं। जब देश आज़ाद हुआ तो चार डांडियों पंक्तियों का अगर गीत लिखते हैं नोबल पुरस्कार विजेता कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तो लिखते हैं, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलत तरंगा, सफ़ेद शेरों की धरती, इकलौते हीरे की खान अपने पन्ना में, इतना गौरवशाली जिसका इतिहास हो। और ये अपनी आज की परिस्थिति में अपनी समकालीन बोलियों से, बघेली बोली हमारी पीछे चल रही थी, इसकी पीड़ा हुई और उसको हमने अनुभूत किया, देखा। छत्तीसगढ़ में था तो वहाँ के लोक संस्कृति और लोक संस्कार, लोकगीत, लोक कला बहुत विकसित थे। वहाँ पंडवानी, ददरिया, कर्मा, राउत नाचा, सुआ गीत, पंडवानी गायिका को पद्मश्री मिला था। तो मुझको लगा कि बघेली में हमारे क्यों ऐसा नहीं हो सकता, और वहाँ से हमने सब कुछ छोड़ करके बघेली में काम करने का एक संकल्प लिया। अब हुआ ये कि 2005 में माननीय आयुक्त महोदय डीएस राय साहब उस समय हुआ करते थे, तो उन्होंने विंध्य सांस्कृतिक महोत्सव करवाया। मैं गांव में रहता था तो वहाँ पर हमको सूचना देर से मिली, मैं भी भाग लेना चाहता था, तो जब वहाँ संपर्क किया तो उन्होंने कहा अब तो डेट ख़त्म हो गई है। ये अलग बात है, किसी के किताब वगैरह हो उसका विमोचन हो सकता है। तो भगवती का ऐसा आशीर्वाद मिला कि हमने 9 दिन में भिनसार किताब लिखी बघेली में, और 9 अप्रैल 2005 को उसका विमोचन होना था, तो आप सबके मतलब सहयोग से वो किताब विमोचित हुई और उससे चर्चा में आई वो किताब, और तब से फिर बघेली का काम थोड़ा और विधिवत तरीके से नए उत्साह से चालू हो गया। तो इस ढंग से ये बघेली की यात्रा हमारी चालू हो गई। मन में ये था कि हमारी बघेली भी अपनी समकालीन बोलियों से आगे रहे, ऐसा भाव लेकर के। 2008 की एक घटना है बघेली से जुड़ी ही, जिसमें अनुवाद की समस्याएं थी कुछ जी, जी। तो उस घटनाक्रम के बाद कहा जाता है कि आपका अचानक से हृदय परिवर्तन हुआ और युवाओं को आपने इस क्षेत्र में लागने का एक संकल्प लिया जी। और उसी के तहत आज अभी तक कई सारी युवाओं को आपने मंच देने का काम किया, मार्गदर्शन लगातार करते चले आ रहे हैं, और बघेली विंध्य को आगे बढ़ाने का काम अनवरत चल रहा है। तो इस घटनाक्रम के बारे में, इस संकल्प के बारे में थोड़ा सा बताएं तो अच्छा लगेगा जी। अनूप जी, असली में हुआ क्या जी? कि यहाँ रीवा आकाशवाणी में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक टीम आई कलकत्ता से, भाषा अनुसंधान केंद्र कलकत्ता से, तो उनके पास 2000 शब्दों की शब्दावली थी जिसमें बाघ की विधि शब्द भी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी आकाशवाणी में चूँकि सब कलाकार कवि साहित्यकार जुड़े रहते हैं, तो उनने पूछा कि किसी आदमी को ऐसे बताइए जो अनुवाद कर दे हमारा। तो उन्होंने मेरा नाम बताया आकाशवाणी वालों ने, मैं आया रीवा। 5 दिन तक ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग हुई और वो सैंडो बनियान पहना देते थे। मैं कहा कि भाई ये क्यों, तो बोले जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन का पूरा जो फिजियोलॉजी है वो दिखती रहे कि किस शब्द का उच्चारण कहाँ से होता है। तो 5 दिन अनुवाद किया, गला खराब हो गया, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि अपनी बोली भाषा के लिए मैं काम कर रहा हूँ। जब 5वें दिन हमने उनसे कारण पूछा कि इतना काम क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मानना है कि ये जो बोली है बघेली बोली, तो आगामी 50 सालों में विलुप्त हो जाएगी, इसलिए केंद्र सरकार इसको संरक्षित करने का काम कर रही है। तब तो मेरे आंसू निकल गए। तो मैंने सोचा कि अब इसके लिए कुछ और दृढ़ता से और एकजुटता से काम किया जाए। तो मैंने विंध्य कवि दरबार नाम से एक माने प्लेटफार्म तैयार किया, और जहां हमने नौजवानों को जोड़ा, वो सभी नौजवान सुशिक्षित थे, सुसंस्कारित थे, तो उन लोगों ने अच्छा प्रयास किया और भगवती की उन सबको ऐसी कृपा मिली कि चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे अभिनय के क्षेत्र में हो, तमाम उन्होंने अपने मतलब कामयाबी के परचम लहरा दिए। और ये दृढ़ विश्वास हो गया कि अब बघेली विलुप्त होने वाली नहीं है, इसके विकास का समय आ गया है। जब आप जैसे लोग जुड़ गए, मीडिया जुड़ गई, पेपर जुड़ गया, आदरणीय शिवेंद्र त्रिपाठी जी, धीरू दादा जी, अनुपम जी, ऐसी हस्तियां जब इसको विकास के लिए लग गईं, तो हमारे नौजवानों में उत्साह आ गया
और आज ये डिजिटल माध्यम से पूरे मतलब दुनिया में सुनी जा रही है, देखी जा रही है। अविनाश तिवारी जी के वीडियो तो हम देखे जा रहे हैं, तो अब बड़ा सुखद अनुभूत होती है इससे। तो इस सफ़र में कहीं ना कहीं एक सफलता का स्तर आप देख पा रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के आपने अपना कार्य शुरू किया था तो एक पड़ाव पे पहुंच चुका है। आगे क्या संभावनाएं हैं युवाओं को लेकर? युवा हमारे असली में उस दौर में बघेली बोलना एक हीनता का द्योतक माना जाता था, जो लोग बघेली बोलते थे। और इसलिए मैं कवि सम्मेलन के मंचों में जो अपना कविता से संबंधित उद्बोधन था तो हिंदी में देता था और कविता बघेली में पढ़ता था, जिससे लोगों को ये ना लगे कि बस हो गया ऐसे बघेली में गमई ही जोड़ जाड़ के पढ़ रहे हैं। उसको साहित्य बनाने के लिए ये ड्रामा करना पड़ता था। लेकिन आज आम जनमानस ने बघेली को स्वीकार किया है, चाहे बघेली गीत हो, चाहे कविता हो, चाहे न्यूज हो, सब चीज़ को सम्मान के साथ पढ़ रहे हैं और बघेली बोलने में कोई मतलब हीनता का अनुभव नहीं करता है। और तमाम हमारे जितना विंध्य प्रदेश में लोग देखते सुनते हैं उससे ज़्यादा कई गुना विंध्य प्रदेश से जो बाहर विंध्यवासी रहते हैं, चाहे वो विदेश में हो, चाहे इंदौर में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, वो सब लोग अपनी बोली भाषा के लिए मतलब बहुत समर्पित होकर काम कर रहे हैं। और इसलिए निश्चित रूप से बघेली का जो भविष्य है बड़ा उज्ज्वल रहेगा, निर्मल रहेगा, सुखद रहेगा, और ये बड़ी खुशी की बात है। और दुनिया भर के विंध्य से जुड़े हुए लोगों को, दुनिया भर के बघेली को चाहने वाले लोगों को आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि कोई एक और रचना। जी, तो देखिए बघेली हमका कैसन लागा थी या लिखे रहन या हर जगह सुनावत रहन, ओ मैं एक हर पूरा छोट छोट जोन बात यहीं सब आ गई कि गंगा के पानियस गुरु के बानियस शारदा भवानियस लागा थी बघेली मोर, कि गंगा के पानियस गुरु के बानियस शारदा भवानियस लागा थी बघेली मोर, आ रानी महारानियस राजा हिंदुस्तानियस और रीमा राजधानियस लागा थी बघेली मोर, उमिरी जमानियस उछलत पानियस उमिरी जमानियस उछलत पानियस अरे रेवा स्वाभिमानियस लागा थी बघेली मोर। और भेदन क्षमता कि दहियु मा मथानियस बढ़ई के रुखानियस, कि दहियु मा मथानियस बढ़ई के रुखानियस अब बरसत माही छानियस लागा थी बघेली मोर। बिंधी की धरती से जम जुड़े विभिन्न बिंब हैं देखी, कि राम के कहानियस राजा कर्ण दानियस और रणमत के कुर्बानियस लागा थी बघेली मोर, ओ तानसेन तानियस तुलसी के बखानियस दाई और नानियस लागा थी बघेली मोर। रामायण के 80% शब्द बघेली हाँ, कि तानसेन तानियस तुलसी के बखानियस दाई और नानियस लागा थी बघेली मोर, अ मेछरी काही पानियस आधर का देखानियस मेछरी काही पानियस आधर का देखानियस अ घर के परानियस लागा थी बघेली मोर। या अर्थ मा कि जो दिल्ली मा ये भैया कहाँ जाते हैं तीन अक्षर बोल दे तब पछियाए पर ही लोग कि हमरे रीमा क्या है। तो मेछरी काही पानियस आधर का देखानियस अ घर के परानियस लागा थी बघेली मोर, अ कोयली के रुबानियस बसंत मस्तानियस कि कोयली के रुबानियस बसंत मस्तानियस अ सबके जानी मानियस लागा थी बघेली मोर, सबके जानी मानियस लागा थी बघेली मोर। तो हम सोची थे जितने हमरे विंध्य क्षेत्र के लोग बघेली बोले वाले पूरे देश दुनिया में जहाँ कहाँ वहाँ, तो बघेली का अपने यह भाव से मान रहे हैं और जौने के परिणत बहुत सुखद हमका देखा सुने माँ तमाम हर माध्यम से मिल रही है। मातृभाषा के प्रति किस प्रकार का प्रेम होता है और मातृभाषा अपने बच्चों से किस तरह का प्रेम करती है, ये बात आपकी कविता में हूबहू झलक के सामने आती है। और साहित्य में अगर वर्तमान समय की बात करते हैं तो मंचों में काफ़ी ज़्यादा ये साहित्य पढ़ा जाने लगा है और डिजिटल माध्यम से भी काफ़ी प्रसारित हो रहा है। लेकिन एक बात अभी भी करने की आवश्यकता है शायद, कि कवि के तौर पर अगर पहले साहित्यकार के तौर पर हम हरिदास जी की हरिप्रसाद जी की बात करते हैं तो
एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसी भी साहित्य की रचना के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होता है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निर्माण के लिए आगे आने वाले समय में क्या कार्य किए जाएंगे या क्या कार्य किए जा रहे हैं, इस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत ही विनम्रता के साथ हम अपने उन बुजुर्गों को याद करना चाहते हैं जो दीक्षित साहित्य मिलता है। तो हमारे यहाँ के जो हरिदास जी थे, गुड़ से थे, तो 16वीं शताब्दी में उन्होंने बघेली में रचना किया। उसके बाद तीन कवियों की जोड़ी थी, बैजू, सैफू और शंभू काकू। इन्होंने बहुत ही मेहनत करके और बघेली की नींव रखी। उसके बाद डॉक्टर अमोल बटरोही जी हो गए, बाबूलाल दाहिया, श्रीनिवास शुक्ल सरस जी हो गए, आपने ये मैथिली शरण जी हो गए, तो सरी जी हो गए, बहुत सारे ऐसे स्वनामधन्य माने बाणी पुत्रों ने ये संकल्प उठाया, उसको पूरा किया। अब जो वर्तमान पीढ़ी है, तो वर्तमान पीढ़ी में बहुत सारे जो नौजवान साथी काम कर रहे हैं, तो समय की मांग के मुताबिक उसमें वो दे रहे हैं। जैसे उमाकांत अपरिचित की गज़लें एक विशिष्ट वो रखते हैं, कालिका त्रिपाठी जी हैं, बहुत अच्छी गज़लें लिखते हैं। तो इस ढंग से हम ये पा रहे हैं कि इनमें जो एक उत्साह आ रहा है, जैसे भूपधर अलवेला जी हैं, बघेली में अच्छा लिख रहे हैं, उमेश लखन हैं, तो ये सब लोग बघेली साहित्य को समृद्ध करने में ये तरुणाई लगी हुई है। बहुत सारे नाम, ये कहना चाहूँगा कि किसका किसका नाम पुकारूँ, सभी जुझारू लगते हैं और बघेली को सफल बनाने सभी उतारू लगते हैं। तो उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अब आप भी इसी में तो लगे हैं, तो हमारे अनूप जी हो गए और हमारे शिवेंद्र त्रिपाठी जी हो गए, धीरू दादा हो गए, कहाँ कहाँ से, दिल्ली से, बम्बई से, हर जगह से सपोर्ट हमको पूरे हिंदुस्तान से मिल रहा है। नाइजीरिया से विजय जी काम कर रहे हैं। तो जब इतना सब लोगों का समूह हमको दिखाई देता है, बहुत ही प्रसन्नता होती है। अब हमको तो लगता है कि बघेली जी बल्ले बल्ले ही, और जितना सोशल मीडिया में देखिए तो मतलब बघेलखंड छाया हुआ है, तो इससे बहुत सुखद अनुभूत होती है और बहुत सुंदर भविष्य इसका होगा। और तमाम कहानी लिखी जा रही है, नाटक लिखे जा रहे हैं, योगेश त्रिपाठी जी तमाम इसमें काम कर रहे हैं। तो अब कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि बघेली की जो हमारी पहचान है वो क्षेत्र तक सीमित रहेगी, विश्वव्यापी बोली के रूप में ये स्वीकार होगी और एक दिन हमारे उसमें देश की अनुसूची 8 में इसको स्थान मिलेगा और हमारे सांसद महोदय बघेली में शपथ ले पाएंगे, ये हम सोचते हैं। ये सबसे बड़ी सफलता की ये जी। और कहीं ना कहीं जब सफलताएं मिलती हैं जी तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, कार्य बढ़ता है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। आज साहित्यकारों को एक बेहतर आयाम मिल रहा है, चाहे वो जिस माध्यम से बात करें, चाहे डिजिटली कहें, चाहे मंच के माध्यम से कहें या फिर अन्य किसी माध्यम से बात करते हैं, तो एक बेहतर आयाम मिल रहा है। लेकिन साहित्य में विशेष तौर पर अगर बात करें तो मर्यादा और स्थानीय संस्कृत का अहम योगदान होता है, और युवा साहित्यकारों में जो फोहड़ता, जो अश्लीलता कई भाषाओं को लेकर के देखी जा रही है, बघेली को लेकर के भी एक आशंका हो सकती है, तो इसके समाधान के लिए युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, इस बारे में युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि ये जो लाइक और कमेंट हो रहे हैं, तो इस पे चूंकि मंच में कहूँगा तो किसी को लग जाएगा कि हमको कह रहे हैं, लाइक और कमेंट के पीछे हमको नहीं भागना चाहिए। क्योंकि अगर हम कपड़े उतारना चालू कर दें, जितना ज़्यादा उतार देंगे उतना लाइक हमारी बढ़ती जाएगी, और एक दिन जब हम इतना उतार देंगे कि लोग नंगा कहने लगे हमको, तो लाइक तो बहुत होगी लेकिन हम किसी लायक नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मर्यादा का सबसे ज़्यादा ध्यान हमको अपनी मर्यादा संस्कृति का रखना है, जिससे बघेली बोली के साथ बघेली संस्कृति और उसकी मर्यादा से लोग बागचीन हैं। क्योंकि हमारे बघेली लोकगीतों में इतनी विविधता है, जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं ना कि पान चढ़ाने का ये, फूल चढ़ाने का ये, तो हमारे बघेली लोक साहित्य में देखिए अगर लोकगीत गाया जा रहा हो तो हम जान लेंगे, अगर सोहर गाई जाती तो जान लेंगे कि यहाँ जन्मोत्सव मनावा जा रहा है, कहाँ उठे सुहाग बन रहा हो रहा तो शादी ब्याह के माहौल है, कहाँ भोले बाबा के गीत हो रहा तो जान ले कि होम पूजा हो रहा है, कहाँ फगुआ गावा जा रहा तो त्यौहार के गीत, तो ऋतुवन के गीत हैं हमारे यहाँ, संस्कारन के गीत हैं, देवी देवतन के गीत हैं, जातिन के गीत हैं, तो इतनी विविधता दूसरे लोक साहित्य में नहीं मिलती है। तो हम चाहते हैं कि जैसे हमारे लोकगीतों से हम पहचान जाते हैं कि ये कार्यक्रम होने वाला है,
तो हमारे साहित्यकार ऐसा लिखें कि हमारे बघेली बोली के जो सुगंध है उस सुगंध से लोग बाग जान जाएं कि ये बघेली है। और उनके लिए बस यही कहना चाहता हूं मैं कि ऊल जलूल के बात में विश्वास नहीं करी, कि ऊल जलूल के बात में विश्वास नहीं करी, महतारी बहनी बिटियन के उपहास नहीं करी, और मजा चाहे थोड़ का कमाई आ बैराज पर हम अपने बघेली बोली के सत्यानाश नहीं करी, हम अपने बघेली बोली के सत्यानाश नहीं करी। और यह संदेश दे चाहिए थे अपने नवा पीढ़ी का कि लाइक कमेंट के चक्कर में हल्का सस्ता और यह साहित्य ना लिखाएं जौने से हमारे बघेलखंड के और बघेली बोली के बदनामी हो। अच्छी चीज़ लिखी देर से समझ में आई लेकिन ओखर अस्थायी तो रही। फिल्मों भर में दिख ली जौन ज़्यादा भड़कीले गाना होता एक महीना बजा था, पर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो तब से बज रहा है, आज भी उतने सम्मान के साथ सुना जा रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करिए लेकिन अच्छा लिखिए, जिससे हमारा हमारी बोली का और इस बिंध का सम्मान शाश्वत रहे, इसको लोग सम्मान की दृष्टि से देखें। आपने बघेली बिंध और कलाकारों को लेकर के एक बेहतर संदेश दिया हमारे दर्शकों को, विशेष तौर पर युवाओं को, जो आपने क्यारी बनाई वो पुष्पित हो रही है, पल्लवित हो रही है, जिससे भविष्य में बघेलखंड की संस्कृति को लेकर के, इसके साहित्य को लेकर के एक बेहतर आयाम मिलने की पूरी संभावना देखने को मिलती है। आपका अमूल्य समय देने के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। द खबरदार न्यूज आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से बघेली को प्रोत्साहित करने में आगे भी अपना अमूल्य सहयोग देते रहेंगे, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार राज दादा जी। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।